नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ साक्षी दुबे। क्या आप ईयरफोन्स, ईयरबड्स या लीड लगाकर गाने सुनने के शौकीन हैं? अगर हैं तो स्वराज मीडिया आप सभी को सतर्क और सावधान रहने की सलाह देता है। हमारे बीच राजगढ़ से खबर आ रही है जहां चलती ट्रेन के सामने तीन युवक आ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। जी हाँ, उन तीनों युवकों ने अपने कानों में ईयरफोन्स लगा रखे थे और तेज आवाज में, तेज वॉल्यूम में गाने चला रखे थे और उनको ट्रेन आती हुई दिखाई नहीं दी, जिसकी वजह से वो ट्रेन के सामने आ गए और ट्रेन ने उनके चिथड़े उड़ा दिए। दरअसल राजस्थान में पुलिस की भर्तियां चल रही हैं जिसके पेपर हाल फिलहाल में होने हैं। ये तीनों युवक राजगढ़ रेलवे स्टेशन से राजस्थान की तरफ जा रहे थे, तभी ये एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहे थे ट्रेन का ट्रैक पार करते हुए। इन तीनों के कान में ईयरफोन्स लगे हुए थे और उसमें तेज आवाज में गाने चल रहे थे। तभी किसी ने कहा कि पैसेंजर ट्रेन आ रही है। ये दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़े थे और इनकी ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर आनी थी। इन्होंने सोचा कि ट्रेन आकर रुक जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य से इन्हें जिस ट्रेन में चढ़ना था, जिस पैसेंजर ट्रेन में इन्हें चढ़ना था, ये वो ट्रेन नहीं बल्कि डबल डेकर आ रही थी। आपको बता दें, डबल डेकर का स्टॉपेज राजगढ़ में नहीं है। वो ट्रेन सीधी आई और ट्रैक को पार करते हुए निकल गई। उसके बाद जब लोगों ने ये देखा तो लोगों ने इन्हें बहुत तेज आवाजें भी लगाई, लेकिन क्योंकि इनके कान में ईयरफोन्स थे, इनके कान में ईयर लीड्स लगी हुई थी, जिसकी वजह से इनको सुनाई नहीं दिया। ना ही ट्रेन के आने की आवाज सुनाई दी, ना ही लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद इनके चिथड़े उड़ गए। इसके बाद वहां यानी कि रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बहुत बुरी तरह से इनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहां पर जो लोग थे उन्होंने घर वालों को जैसे तैसे करके बताया। पुलिस फिलहाल छानबीन करने में लगी है। इस विषय में दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप ईयरफोन्स लगाकर या गैजेट का इस्तेमाल करके कृपया गाड़ी ना चलाएं, या गैजेट का इस्तेमाल करके आप रोड क्रॉस या ट्रेन ट्रैक क्रॉस ना करें। ट्रेन ट्रैक क्रॉस करने के लिए बहुत सारे कानून हैं और ये कानूनन अपराध है। इस विषय में किसी भी रेलवे अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि ये तीनों ही दोषी थे। आपको इस खबर के विषय में क्या कहना है, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जिससे लोगों को पता चल पाए कि कितना खतरनाक हो सकता है उनका गैजेट्स का इस्तेमाल करना और इस्तेमाल करते हुए कहीं जाना। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।